हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। देखिए, कल कुछ शोर हो रहा था, इसके चक्कर में मैं 50 क्वेश्चन नहीं करवा पाई, तो इसमें मैं ज़रूर करवा दूंगी। और दूसरी बात है कि कई लोगों के कमेंट आए कि क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ बराबर में हो तो वो भेज दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन फॉर्म है इसी का आंसर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इस तरीके का अगर होता तो मैं वैसे ही भेज देती, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और आंसर की पीडीएफ मैं भेज देती हूँ, तो वैसे ही आप कर पाओगे। दूसरी बात है कि हाँ, मैंने बोला है कि मैं ये मतलब मोस्टली कोशिश है कि होली के पहले या आफ्टर होली, होली के 2-4 दिन बाद ही मैं क्वेश्चन और विद आंसर की पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, और आप खुद ही उनको अपने घर पर बैठकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये कोशिश मैं तब कर दूंगी, अभी फिलहाल क्योंकि है नहीं, और एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से अब करंट भी हमें 6 महीने आगे का देखना होगा, पीछे का नहीं। और दूसरी बात क्या है कि हिंदी ग्रामर इसमें पीसीएस में भी आती है और आरओआरओ में भी आती है, तो मैं दोनों के पेपर कोशिश करूंगी, दोनों के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और क्योंकि रात में लेट भी बहुत हो गया था तो पीडीएफ नहीं भेज पाई आंसर की, मैं पीडीएफ अभी भेजूंगी पूरे क्वेश्चन की, तो आप अच्छे सॉल्व कर लो। अभी आप ये कुछ पेपर हैं जीएस के हैं तो ये काम आते हैं, जीएस का तो नहीं बदलता है, करंट ही हमारा बदलता है, तो इनको अभी अच्छे से अटेंड कर लो, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करोगे और मेंस में ही ध्यान दोगे तो फिर प्री को एकदम छोड़ना नहीं है, प्री को तैयार करते हुए चलना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि प्री हम एकदम से भूल जाएं और पहले मेंस को ही एकदम तैयार कर लें, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। आई होप आप कर ही रहे होगे, अच्छा ही कर रहे होगे, पर फिर भी मैंने सोचा एक बार आपको मैं याद दिला दूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन हमारा कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1991, बी 1992, सी 1993 या डी 1994, ठीक है। तो वैसे तो सिंपल है, बहुत सारे लोगों को आता है, बट फिर भी जो भी नए बच्चे जुट रहे हैं, जो भी नए एस्पायरेंट हैं, तो मैं बता दूं कि भारत सरकार ने पूंजी बाजार संबंधी कई सुधारों कार्यों की शुरुआत की, और जिसमें वर्ष 1992 में पूंजी निर्गम नियंत्रक सीसीआई के कार्यालय को समाप्त करना तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी को वैधानिक मान्यता प्रदान करना शामिल था। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 1992, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सेबी को पूंजी बाजार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे आपको पता है सेबी काफ़ी सारे काम करता है, स्टॉक एक्सचेंजों और किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय को विनियमित करना, विभिन्न मध्यस्थों और म्यूचुअल फंडों के कामकाज को रजिस्ट्रीकृत करना और विनियमित करना, स्वनियामक संगठनों को प्रोत्साहित और विनियमित करना, निवेशक जागरूकता और मध्यस्थों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चले हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रुपए डैश मूल्य वाले बंधपत्र यानी बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जा सकते हैं कहलाते हैं डैश। ऑप्शन ए महाराजा बॉन्ड, बी फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड या डी मसाला बॉन्ड, सी मसाला बॉन्ड या डी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप इन सब बॉन्ड के नाम सुनते रहते हैं, मसाला बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना, इकोनॉमिक के टर्म है। तो देखिए, बात करें अगर हम मसाला बॉन्ड आपका रुपए मूल्य वाले बॉन्ड हैं जिन्हें भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी कर सकती हैं। रुपए मूल्य वाले बॉन्ड से आशय है कि उधार स्वरूप लिया गया पैसा भारतीय रुपए में होगा, ना कि विदेशी मुद्रा में। अतः विकल्प सी है, मसाला बॉन्ड आपका प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय मुद्रा से जुड़े हुए हैं, ऐसे में निवेशकों को सीधे मुद्रा जोखिम अथवा विनिमय दर का जोखिम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मसाला बॉन्ड, ठीक है। लेकिन आपको ये और ये तीनों ही मैंने एक आपको भी बता दिया, एंड और सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बीच बीच में आते रहते हैं, है ना। मसाला बॉन्ड में और क्या बातें हो सकती हैं वो भी आपको मतलब इसमें पता चल जाएगा अच्छे से। जैसे ये बता रहे हैं कि इन मसाला बॉन्डों के जारीकर्ता को मुद्रा में उतार चढ़ाव जोखिम से सुरक्षित किया जाता है, जो आमतौर पर विदेशी मुद्रा से उधार लेने से जुड़ा होता है, विदेशी मुद्रा में उधार लेने से जुड़ा होता है। मतलब जैसे अब भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, स्टार्टअप्स जो स्टार्ट करते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो जब वो विदेशों में जाते हैं, कहते नहीं कि फंड जुटाना है, धन जुटाना है, तो वो जो धन जुटाना होता है तो उसके लिए आप कोई एक एग्रीमेंट दोगे ना बिलीव के लिए कि हाँ मतलब हम पे भरोसा करो, हम आपको वापस कर देंगे। तो वो एक तरीके से बॉन्ड होता है जिसके द्वारा वो लोग देते हैं और भारतीयों को प्राप्त होते हैं, और ये पैसे भारतीय रेट में ही रहते हैं, है ना। तो उस तरीके की बातें हैं, तो ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। हम पढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाले बाजार को कहा जाता है। अब निधि यहाँ पर फंड से मतलब है, जैसे ऐसे पढ़े कि केवल एक दिन के लिए फंड प्राप्त करने वाले बाजार को कहा जाता है। ऑप्शन ए सेकेंडरी मार्केट, बी नोटिस मनी मार्केट, सी टर्म मनी मार्केट या डी कॉल मनी मार्केट। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, देखिए आपके मुद्रा बाजार सरकार को वित्त के गैर मुद्रा स्फीतिकारी स्रोत प्राप्त करता है, प्रदान करता है। मुद्रा बाजार को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कॉल मनी मार्केट, ठीक है, केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाला बाजार होता है, तो और नोटिस मनी मार्केट आपकी क्या होती है? इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका तो आंसर हो जाएगा डी कॉल मनी मार्केट। लेकिन नोटिस मनी मार्केट की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है आपका कि 2 दिन से 14 दिन के लिए निधि, यानी वही फंड प्राप्त करने वाला बाजार। टर्म मनी मार्केट की अगर हम बात करें सी ऑप्शन, तो कह रहे हैं कि 15 दिन से 1 वर्ष के लिए निधि प्राप्त, यानी कि फंड प्राप्त करने वाले बाजार को टर्म मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और कॉल मनी मार्केट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बेयर मार्केट, बी बुल मार्केट, सी ब्लू चिप स्टॉक या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बेयर मार्केट वह समय अवधि जब शेयर बाजार में गिरावट अथवा शेयर की कीमतों में गिरावट का रुख होता है, बेयर मार्केट कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या कहलाता है? बेयर मार्केट कहलाता है। बुल मार्केट की बात करें तो जब पूरे शेयर बाजार में स्टॉक की कीमतों में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती होती है, या यूं कहें कि शेयर बाजार ऊपर की ओर बढ़ता, कहते नहीं कि बाजार ऊपर जा रहा है, उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक भी आपका यह अच्छे वित्तीय निष्पादन वाली बहुत ही बड़ी और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कंपनियों के शेयर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए है, और कुछ बातें बुल मार्केट के बारे में भी। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ लो, जब गिरावट का समय होता है तो उसे बेयर मार्केट, और जब हाई होती है मार्केट तो उसका हो जाता है बुल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, डैश ऑप्शन है स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त, बी सहायक कंपनियों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक धन जुटाने के लिए प्रतिभूतियां, सी नई कंपनी शुरू करने के लिए कम जोखिम वाली पूंजी, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें उद्यम पूंजी को तो वेंचर कैपिटल इज डिफाइंड, ठीक है, जिसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं, उसके लिए तो उद्यम पूंजी से तात्पर्य निवेशकों द्वारा दीर्घकालिक विकास की संभावना वाले स्टार्टअप कंपनियों और लघु व्यवसायों को प्रदान किए जाने वाले वित्त से है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित समितियों पर विचार कर उन्हें उन्हीं कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए अलग समिति, बी लकड़वाला समिति, थर्ड आपका तेंदुलकर समिति एंड फोर्थ रंगराजन समिति। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, क्योंकि इस तरीके से मिलान करने को क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। देखिए अगर हम बात करें आपके अलग समिति की, तो ये आपकी 1979 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, अगर बात करें लकड़वाला समिति की, तो ये आपकी 1993 में फॉर्म की गई थी। तेंदुलकर समिति आपकी 2009 में फॉर्म हुई थी, और रंगराजन समिति 2012 यानी कि 2012 में। तो इसलिए आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के जो ईयर हैं यानी कि जिनका इनकी रैंकिंग है वो सही से मिली थी। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि एंजल के नियम के अनुसार डैश ऑप्शन ए स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि से पन्न उत्पादों की कीमत कम हो जाती है ना। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लें। कह रहे हैं एज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स राइज द प्राइस ऑफ कमोडिटी प्रोडक्ट्स डिक्रीज, है ना। सेकंड कह रहे हैं बी ऑप्शन कि पूरक उत्पादों की कीमत में वृद्धि के साथ पर्ण उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती है। यहाँ पर कह रहे थे कि कीमत कम हो जाती है, यहाँ पर कह रहे बढ़ जाती है। सी आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है, एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब एंजल के नियम के अनुसार देखते हैं, बात करें वर्ष 1857 यानी 1857 में एक जर्मन सांख्यिकीविद अंस्टर एंगेल ने एक आर्थिक सिद्धांत पेश किया था जिसके अनुसार आय में वृद्धि के साथ ही खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है। तो इस तरीके से विकल्प आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है? आप तो सोच रहे होंगे कि अगर आय बढ़ती है तो फिर खरीदने वाली चीजों की मतलब कि चीजें भी बढ़ जाएंगी। जब इंसानों के पास, लोगों के पास पैसा होगा तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। वो गेस करना आपका सही है,
लेकिन देखिए इकोनॉमी क्योंकि अलग तरीके से चलती है, बात करें तो भोजन और अन्य आवश्यकताओं पर बड़ी राशि खर्च करने के कारण गरीब वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं पर खर्च करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गरीब वर्ग को भोजन पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिए कीमत में किसी भी प्रकार की वृद्धि अथवा खाद्य पदार्थों पर कर लगाने का असर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक होता है। क्यों? जैसे अब अंबानी की इनकम कितनी है, सबसे ज्यादा हाई है, तो कितनी भी चीजें महंगी होगी उनके ऊपर बोझ कम लगेगा ना। वही चीजें अगर बराबर मात्रा पे जिसकी की इनकम 1,000 है, जैसे देखिए एक व्यक्ति की इनकम 1,000 है और एक व्यक्ति सॉरी 100 है और एक व्यक्ति की इनकम 1,000 है, ठीक है, कोई चीज 20% बढ़ती है तो इसको 20% 100 के हिसाब से बहुत है और 1,000 वाले को 20% 100 के हिसाब से कम है, तो ये वाला गेस इन्होंने ही बताया नियम, उस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत आय के हिसाब से काम करता है ना। गरीबों को वैसे ही जीएसटी हो गया इन समय जैसा 18% है कहीं कहीं काफी सारी चीजों में, लेकिन अगर जिसकी इनकम भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में, तो उसके लिए 18% जीएसटी कोई खास नहीं है, वो इस हिसाब से इन्होंने नियम में बताया। और जब सर लोग भी बताते हैं कॉन्सेप्ट को तो वो भी ऐसे ही बताते हैं, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी कौशल विकास मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, या डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। बात करें अगर हम यहाँ पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2015 में रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के प्रक्रियाओं में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय करियर सेवा यानी एनसीएस की शुरुआत की थी, तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। एनसीएस पोर्टल आपका रोजगार की तलाश करने वालों और नियोक्ताओं को एक उत्तरदायी, प्रभावी और गतिशील राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के साथ सभी रजिस्ट्रीकरण आधार पर आधारित है, ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए गिनी गुणांक मापता है डैश, ये क्वेश्चन बहुत है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड है और आता है, यूपीएससी में आता है, पीसीएस में भी आता है। तो ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, बी बेरोजगारी दर, सी आय असमानता, या डी बाजार मूल्य पर जीडीपी, ठीक है। तो गिनी गुणांक आपका लॉरेंज वक्र से उद्धृत है यानी कि निकला है, और इसका उपयोग किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। सी हो जाएगा आपका, ये आय असमानता को मापता है, ठीक है, कौन, गिनी गुणांक, इसको याद रखना, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, पर यूपीएससी में ये वन लाइनर में नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, ठीक है। और वैसे भी यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा फॉर्म करती है, वन लाइनर पीसीएस में ज्यादा चीजें रहती हैं। चलें देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है डैश, ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी में, बी प्रचंड बेरोजगारी में, सी संरचनात्मक बेरोजगारी में, या डी घर्षण बेरोजगारी में, ठीक है। श्रम की सीमांत उत्पादकता का मतलब द मार्जिनलाइज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इन, ठीक है। तो बात करें तो प्रचंड बेरोजगारी यह एक ऐसी परिघटना है जहां वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे होते हैं। भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में इसके सबसे उपयुक्त उदाहरण है। आपको पता है जैसे हमारे भारत में क्या, एक फैमिली के 6 से 7 मेंबर लगे रहते हैं, लेकिन हमें कभी 1 या 2 महीने के लिए उसकी उत्पादकता यानी उसका मूल्य मिल पाता है। और अगर हम किसी जॉब में, नौकरी में कहीं देखें तो हमें पर व्यक्ति मंथली इनकम होती है। तो ये एक एक तरीके से प्रचंड बेरोजगारी का स्वरूप है यानी कि रूप है ना। तो आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्रचंड बेरोजगारी में, ठीक है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता तुरंत में कुछ भी नहीं होती है। जब फसल कभी तैयार होकर के 2 से 2.5 महीने में जाती है बाजार में तो जाके उससे हमें इनकम होती है। अगर वो फसल आपकी कहते हैं जैसे कि आपकी गन्ना हो गया है ना, काफ़ी टाइम लेता है, नगदी फसल है, तो अगर गेहूं हो गया, आलू हो गई, तो इनमें फिर भी कुछ किसान क्या करते हैं, खुद भी उसका उपभोग करते हैं, तो उसमें पूरी उत्पादकता फिर भी नहीं निकल पाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है डैश, ऑप्शन ए रनिंग इन्फ्लेशन, बी ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, सी गैलोपिंग इन्फ्लेशन, या डी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन तब होती है जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं, जैसे कि प्रतिवर्ष 30% या 100%, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोर मुद्रा स्फीति किसका माप है, ऑप्शन ए मुद्रा स्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य अस्थिरता शामिल नहीं है, बी मुद्रास्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य और अस्थिरता शामिल है,
से मुद्रा स्फीति जिसमें केवल खाद्य पदार्थ शामिल है, यदि उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें यहाँ पर अगर हम देखिए, कोर मुद्रा स्फीति को अंतर्निहित मुद्रा स्फीति के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मुद्रा स्फीति माप है जो अस्थायी मूल्य अस्थिरता को दूर करती है और जो कुछ वस्तुओं जैसे भोजन, ऊर्जा आदि में होती है। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर है कि किसका माप है। तो मुद्रा स्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य और अस्थिरता शामिल नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए कर दर और कर राजस्व, बी गरीबी और रोजगार, सी आय और गरीबी, या डी मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी की दर। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र की बात करें तो फिलिप्स वक्र आपका मुद्रा स्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंधों को दर्शाता है। यह अल्पावधि में बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है, किंतु दीर्घ वृद्धि में यानी लंबे समय में नहीं। इस तरीके से बात करें तो डी ऑप्शन सही है, मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी दर। ठीक है, चलें। कह रहे हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू के संकलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी श्रमवीरों, सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, या डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम सीपीआई औद्योगिक श्रमिकों के लिए के संकलन की शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रम ब्यूरो, लेकिन ये किस मंत्रालय के तहत है तो ये आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, सीपीआई आईडब्ल्यू सूचकांक जो है आपका वो सीपीआई सूचकांकों में सबसे पुराना है, क्योंकि इसका प्रसार वर्ष 1946 में ही शुरू हो गया था। ओके, चले नेक्स्ट। कह रहे हैं कि जब किसी एक अथवा पर्णयों के एक छोटे समूह की कीमत में निरंतर समयावधि में वृद्धि होती है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती, तो इस घटना को कहते हैं। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति जनित मंदी, बी संरचनात्मक मुद्रास्फीति, सी स्क्यूफ्लेशन, या डी मुद्रास्फीति चक्र। बात करें तो देखिए, स्क्यूफ्लेशन जो होता है ऐसी स्थिति जब किसी एक अथवा पर्णयों के एक छोटे समूह की कीमत में निरंतर समयावधि में वृद्धि होती है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती है, तो आपका स्क्यूफ्लेशन कहलाती है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा स्क्यूफ्लेशन। ओके, चलें। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1934, बी 1 अप्रैल 1935, सी 1 जून 1934, या डी 1 जून 1935। ठीक है, देखिए इसमें सिंपल तो है बट दो तीन चीजें इसमें कंफ्यूज करती हैं। देखो, जो आरबीआई का अधिनियम है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जिसे बोलते हैं, वो 1934 का तैयार हुआ है। ठीक है, जैसे कोई नियम बनता है इस साल लागू होता है दूसरे साल, वैसे ही 1934 में इसके अधिनियम तैयार हुए और 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को की गई। तो आंसर अगर केवल आप सोच लोगे तो ये रहेगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि इससे चार पांच क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है अधिनियम के बारे में, 1934 का है, लेकिन ये आरबीआई की जो स्थापना की गई वो 1935 में की गई। दूसरी बात, हालांकि मूल रूप से यह निजी स्वामित्व के अधीन थी, कौन, आरबीआई, किंतु वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण का भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन आ गया और चूंकि यह सभी अनुसूचित बैंकों का नगद रिजर्व रखता है, अतः इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर वो गड़बड़ हो गया, रिजर्व बैंक कहा जाता है। और केंद्रीय निदेशक मंडल में 21 सदस्य शामिल है जो आरबीआई के सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की देखरेख का कार्य करते हैं। देखो, एक हो गया आपका, इसकी स्थापना 1934 में हुई, इसका अधिनियम 1934 का है और स्थापना 1935 में हुई, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ। तो याद रखना, ये तीन डेट हैं जिससे क्वेश्चन को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहे हैं कि वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती है कहलाती है। ऑप्शन ए तरलता जाल, बी मात्रात्मक सहजता, सी टेम्पर टेंट्रम, ये डी अवस्फीति। ठीक है, तो बात करें कि वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं कहला नहीं होती है वृद्धि नहीं करती है कहलाती है। तो ये आपकी तरलता पाश एक ऐसी स्थिति है जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति यानी धनापूर्ति में वृद्धि
ब्याज दर आय में वृद्धि नहीं करती है और परिणामतः आर्थिक विकास में विशेष योगदान नहीं देती है। तो ऐसा आपका जो हो जाएगा कहलाती है तरलता जाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि वाणिज्यिक पत्र है डैश ऑप्शन ए, एक असुरक्षित परक्राम्य मुद्रा बाजार लिखित जो वचन पत्र के बराबर होता है, बी एक लिखित परक्राम्य लिखित जिसमें लिखित के नामित धारक को एक निर्दिष्ट राशि का बिना शर्त भुगतान करने का आदेश होता है, सी बात करें तो कारपोरेट घरानों द्वारा जारी एक अल्पकालिक सुरक्षा जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 7 डेज से यानी कि 365 डेज दिन तक होती है, एंड डी कह रहे किसी कंपनी अथवा अन्य वित्तीय अस्थियों में स्टॉक के शेयर जो मुनाफे के बराबर हिस्से की गारंटी देते हैं। देखिए ये कुछ जो मतलब शब्दावलियां हैं ये इकोनॉमी की है तो थोड़ा सा इनको समझने में दिक्कत हो रही होगी। जैसे इन्होंने बी में बोला कि एक लिखित परक्राम में, तो समझ में नहीं आया इसका मतलब। इंग्लिश में हम बता दें आपको जो इसका दूसरा ट्रांसलेशन है, अ रिटन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कैरीज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अ डिजिग्नेटेड होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो रिटन निगोशिएबल सिंपल है थोड़ा सा, बट हिंदी में इसका लिखित पारक्राम में थोड़ा सा समझने में दिक्कत करता है ना। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए अगर हम आंसर की बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन तो काफी लंबा चौड़ा हो गया। अ कमर्शियल पेपर इज, एक कमर्शियल पेपर क्या होता है यानी कि एक वाणिज्यिक पत्र क्या होता है, तो ये आपका वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक प्रतिभूति है जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन तक की होती है, जो कॉरपोरेट फर्मों कम से कम 4 करोड़ की कार्यशील पूंजी वाली सूचीबद्ध कंपनियां द्वारा अंकित मूल्य की तुलना में छूट पर जारी की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, 7 दिन से यानी 7 दिन से जिसकी अवधि 365 दिन तक होती है वो कॉरपोरेट घरानों द्वारा। अब कॉरपोरेट घरानों में ऐसी कंपनियां जिनकी कार्यशील पूंजी की कुछ एक मात्रा हो, मतलब कोई 1-2 हजार वाली कंपनी ऐसी ना हो, ये इसलिए उन्होंने यहाँ पर पूंजी की भी मात्रा बता दी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके आंसर का सही मतलब क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तावित किया गया था डैश ऑप्शन ए महबूल उल हक द्वारा, बी सिंजो आबे द्वारा, सी अभिजीत बनर्जी द्वारा या डी अमर्त सेन द्वारा। ठीक है, बात करें तो अमर्त सेन ने अपने क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच में कल्याण को व्यापक अर्थ प्रदान किया, तो कथन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अमर्त सेन द्वारा। ठीक है, क्षमता दृष्टिकोण यानी कि द कैपेबिलिटी अप्रोच वाज प्रपोज बाई, किसने इसको प्रपोज किया था, तो अमर्त सेन जी ने प्रपोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे कि मुद्रा स्फीति के दौरान डैश ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑप्शन ए देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है, बी देनदारों को नुकसान होता है और लेनदारों को लाभ होता है, सी देनदार और लेनदार दोनों को नुकसान होता है या डी देनदार और लेनदार दोनों को लाभ होता है। अब ये कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इतने ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए दे देते, एक ही ऑप्शन सही है, लेकिन क्योंकि उन्हें क्वेश्चन नहीं चाहिए कि हर बच्चा सॉल्व कर पाए तो इसलिए थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग लगता है। बात करें अगर हम कि मुद्रा स्फीति यानी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के दौरान, तो मुद्रा स्फीति के दौरान देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है, तो विकल्प ए सही है। अब देनदारों को क्यों लाभ होता है ये जान लो, जब कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है, हालांकि देनदार उतनी ही राशि लौटाते हैं लेकिन मूल्य के हिसाब से देखें तो वे कम ही भुगतान करते हैं, इस प्रकार मुद्रा स्फीति के कारण वास्तविक संपत्ति लेनदारों के बजाय देनदारों के पक्ष में पुनर्वितरित हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से हॉट करेंसी के संदर्भ में सही ऑप्शन है, हॉट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है, सेकेंड चीनी रैनमिनी। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएट करने में अजीब है, रैनमिनबी और जापानी एन हार्ड करेंसी है, तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहां पर हम क्वेश्चन के आंसर की कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए हॉट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है, तो कथन एक तो सही है, हॉट करेंसी विदेशी मुद्रा बाजार में प्रयुक्त शब्द तथा हार्ड करेंसी का अस्थायी नाम है, बाजार सुभेदताओं के कारण यदि किसी हार्ड करेंसी का अर्थव्यवस्था से विस्तारित अवधि के लिए तेज गति से बहिर्गमन होता है तब हार्ड करेंसी को हॉट करेंसी माना जाता है।
सी ऑप्शन सही है आपका, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? ऑप्शन ए निर्यात सस्ता होना, बी आयात सस्ता होना, सी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, या डी लागत जनित मुद्रास्फीति। बात करें तो मुद्रा का अवमूल्यन तब होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अपनी विनिमय दर को एक निश्चित या अर्ध निर्धारित विनिमय दर पर कम करने का निर्णय लेता है। मुद्रा अवमूल्यन, या आप उसको समझो मुद्रा ह्रास, मूल्य ह्रास के प्रभाव। निर्यात सस्ता होता है, जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात सस्ता होता है, यानी जो चीजें निर्यात की जाती है अपने देश से दूसरे देशों को भेजी जाती हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं लागत जनित मुद्रा। ठीक है, किसी देश की क्रय शक्ति में कमी आना, कर्ज भुगतान सस्ता हो जाना, तो ये आपके मूल्य अवमूल्यन के प्रभाव हैं। तो यहाँ पर जो आंसर की बात करें तो बी आपका सही हो जाएगा, आयात सस्ता होना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के आंसर में बोला है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और फोर, बी फर्स्ट थर्ड और फोर, सी सेकेंड थर्ड और फोर, या डी सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें इस क्वेश्चन के तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया है। डैश ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी विश्व व्यापार संगठन द्वारा, या डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। आपको पता है कि विशेष आहरण जिसे हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहते हैं इज एन आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाई द, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। देखिए विशेष आहरण अधिकार SDR जिसे बोलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित अस्थि है, यह मुद्रा नहीं है किंतु तो इसका मूल्य पांच मुद्राओं के समूह अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनबी, जापानी एन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग पर आधारित है। तो अगर हम बात करें कि आपका SDR किसके द्वारा जारी किया जाता है ना, यह किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में कुछ चीजें और अच्छे से दी गई हैं, उनको आप PDF में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चलिए अभी हम एक साथ सारी PDF भेज देंगे, क्योंकि मैंने जो इसके पहले 40 क्वेश्चन कराया उसका PDF नहीं भेज पाई थी, बहुत लेट नाइट हो गया था, तो उसको मैं अभी इसके साथ में भेज दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से व्यापार समूहों और भारत के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र SAFTA की स्थापना की गई। सेकंड, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई। तो कहते नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सॉरी बी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, सी केवल सेकेंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें अगर हम यहां पर, देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि SAFTA दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC की मुक्त व्यापार व्यवस्था है जो वर्ष 2006 में लागू हुई। कथन एक आपके यहाँ पर सही नहीं है, इसकी स्थापना 2010 दिया है लेकिन आपके SAARC की स्थापना 2006 में लागू हुई। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के हस्ताक्षर पर की गई है ना, जिसे हम बैंकॉक घोषणा के नाम से भी जानते हैं। भारत आपका आसियान का सदस्य नहीं था तो इसलिए सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1967 में हुई थी तो ये सही है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन, इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा केवल सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि ईयर वहां पर गलत दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट, बी विश्व विकास रिपोर्ट, सी प्रेशर रिपोर्ट, ठीक है, या डी व्यापार सुगमता रिपोर्ट। देखिए फर्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेकेंड है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सी है आपका रेमिटेंस रिपोर्ट। रेमिटेंस ये वही जो भारत के लोग भारत से बाहर देशों में रहते हैं और अपने परिवार वालों को जब पैसे भेजते हैं तो उससे जो रेमिटेंस एकत्रित होता है उसी की रिपोर्ट आती है। एंड थर्ड है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट। अब क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी रिपोर्ट आपकी विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्धवार्षिक तौर पर वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको विश्व बैंक नहीं जारी करता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। डैश ऑप्शन है वर्ष 2014, बी वर्ष 2015, सी वर्ष 2016, या डी वर्ष 2017।
बात करें यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य योजना की या स्वास्थ्य कार्ड की, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5 दिसंबर 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 2015। ठीक है। एंड मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या आपका? तो यह एक मुद्रित रिपोर्ट है जिसमें जोत भूमि में मौजूद 12 पोषक तत्वों पीएच, विद्युत चालकता, ईसी, जैविक कार्बन, ओसी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पी, पोटेशियम के एंड सल्फर एस, जिंक जेड एन, बोरॉन बी, आयरन एफ ई, मैग्नीज एम एन और कॉपर सी यू के संबंध में मृदा की पोषक स्थिति का विवरण होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका कि आकस्मिक रिजर्व समझौता किससे संबंधित? ऑप्शन ए आसियान, बी ब्रिक्स, सी डब्ल्यू टी ओ या डी सार्क। ठीक है। बात करें तो ब्रिक्स देशों ने 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 में ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था सीआरए पर हस्ताक्षर किए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रिक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों यानी कि परियोजना और नदी में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए काकरापार परियोजना, तापी, बी शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी, सी निजाम सागर परियोजना, मंजरा एंड डी हीराकुंड परियोजना, सतलुज। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए हीराकुंड परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इस बांध का निर्माण ओडिशा के संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी पर किया गया। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, जो हीराकुंड है यह सतलुज पर नहीं है बल्कि ये आपकी महानदी के ऊपर है और ये ओडिशा के 15 किलोमीटर आसपास क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1948 में इसकी नींव रखी थी और यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक होने के साथ ही आजादी के बाद देश की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, हीराकुंड परियोजना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में सही है? ऑप्शन ए इसे सर्वप्रथम कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। सेकेंड यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। थर्ड है आपका यह पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर आधारित है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड या डी केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। देखिए शून्य बजट की बात की जाए तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से अभिप्रेरित रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। इसे सर्वप्रथम कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था जिन्होंने 1990 के दशक के देश के मध्य भूभागों में हरित क्रांति के तरीकों जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों और गहन सिंचाई द्वारा संचालित थे के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। तो कथन हमारा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा जिसे बोलते हैं का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी ओडिशा या डी आंध्र प्रदेश। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा की स्थापना वर्ष 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, केरल। देखिए जो भी समुद्री उत्पाद है बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और सरकार काफी उसमें मतलब प्रयास कर रही है। ये कई प्रकार की संस्थाएं हैं जैसे कि आदिवासियों की काफी सारी चीजें रहती हैं, बीज रहते, प्रोडक्ट रहते, उनको निर्यात करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाते हैं। वैसे एमपीडा भी है ना। उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसका प्राथमिक कार्य समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए बजट से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैंने जब इस बार का बजट थोड़ा सा बताया था, मतलब बजट पूरा बताया बट बहुत डिटेल में नहीं बताया, एक एक योजना को नहीं बताया, हालांकि भी उसको घटनाचक्र की एक छमाई करके एक बुक छोटी सी पतली सी आती है मैगजीन, मैंने उससे पर साल बहुत मुझे हेल्प मिली थी नेक्स्ट ईयर इसके पहले, तो मैं उसे लाऊंगी। और कई लोगों ने कमेंट किया था कि क्या ये बजट भी पूछा जाता है। देखिए बजट के क्वेश्चन आते हैं चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, हालांकि इस बार केंद्र का तो नॉर्मल बजट है, वो पूर्णतः वाला बजट नहीं है क्योंकि चुनाव है, बट देखो राज्य का तो है तो राज्य से क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको तैयार करना पड़ेगा बीच में ही। अभी जो टाइम चल रहा है ये मैंने इसलिए दिखा दिया, वैसे तो मैं इसको स्किप कर देती बट दिखाया क्योंकि वो पूछते हैं। अब क्वेश्चन इन्होंने क्या बनाया, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2022 और 2023 में शिक्षा के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। हालांकि इसको आप स्किप कर दो क्योंकि 22 और 23 वाला जो ईयर था उससे अब इसका कोई खास लेना देना नहीं है। हमारे लिए अब 24 वाला जो बजट अभी आया था फरवरी में
तो उसी को हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि केलकर समिति संबंधित है, ऑप्शन है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से, बी भूमि अधिग्रहण से, सी चिकित्सा पर्यटन से, या डी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से, ठीक है। देखिए देखिए हमें इसमें बताना है केलकर समिति के बारे में। तो केंद्रीय बजट 2015-16 में वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास हेतु तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर दोबारा विचार किए जाने तथा इसके पुनरुत्थान की घोषणा की थी, और इस घोषणा के अनुसरण में बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विचार करने पर करने एवं पुनर्जीवित करने हेतु तो एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय केलकर ने किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से, ठीक है। केलकर समिति संबंधित है तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय कपास निगम की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए वर्ष 1965, बी वर्ष 1968, सी वर्ष 1970, या डी वर्ष 1972। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 जुलाई 1970 को भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई की स्थापना वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1970, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही ऑप्शन है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। सेकंड, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-40 के बजट में इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम यहाँ पर देखिए तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना थी 2023 में, तो निःशुल्क मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्योंकि इकोनॉमी का टेस्ट था और मार्च में आपका पेपर होना था, तो टेस्ट सीरीज इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि नया टेस्ट जो नया बजट है उससे कुछ क्वेश्चन तो आएंगे, पुराने से भी आ सकते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया था। तो हम इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं और अपने इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि करंट से है वो बजट से रिलेटेड है तो उसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, ऑप्शन है सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, या डी अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो आंसर आता ही होगा सबको, क्योंकि ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले से ही। तो सिक्किम आपका बता दें भारत में एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से जैविक बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। चलें नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात था, ऑप्शन ए। अब क्योंकि ये भी 2022 से ही रिलेटेड है तो इसको स्किप कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मुख्य उद्योग है, ऑप्शन ए कोयला, बी उर्वरक, सी सीमेंट, या डी या फोर इस्पात। तो कहते नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और फोर, बी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर, सी केवल थर्ड सेकंड थर्ड और फोर, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर, ठीक है। देखिए कोयला, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, विद्युत रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, आठ ये वे प्रमुख उद्योग हैं जिनका विभिन्न उद्योगों में आगत की मांग को पूरा करने में प्रमुख योगदान रहता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। चारों ही इसमें सुमेलित हैं तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी के संदर्भ में सही है, ऑप्शन ए यह विकास को और अधिक समावेशी बनाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु एक विकास मार्ग प्रशस्त करेगा। सेकंड, वित्तीय वर्ष 2020 और 2025 के लिए एनआईपी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु निवेश राशि 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब एनआईपी का क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, तो इसके बारे में जान लो अच्छे से। भारत सरकार ने देश भर में उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ और वित्त वर्ष 2020 से लेकर 25 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन यानी एनआईपी की शुरुआत की है। कथन सेकंड आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। एनआईपी बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु एक विकास मार्ग प्रशस्त करते हुए रोजगार के सृजन में मदद करेगा और जीवन में सरल बनाएगा तथा सभी के लिए बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच प्रदान करने
और विकास को अधिक समावेशी बनाने में मदद करेगा। तो इस तरीके देखें हम तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं ने हालिया वर्षों में कनेक्टिविटी के सुधार में योगदान दिया है। ऑप्शन ए भारतमाला, बी सागरमाला, सी उड़ान, यदि उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो बात करें आपके, देखिए बात करें तो सड़क कनेक्टिविटी, भारतमाला, पत्तन, बुनियादी ढांचा, सागरमाला और विद्युतीकरण, रेलवे उन्नयन और नवीन हवाई अड्डों, हवाई मार्गों यानी उड़ान के संचालन के लिए समर्पित कार्यक्रमों ने पिछले कुछ वर्षों में भौतिक बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का है, अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए कहता है कि भारत सरकार को लागत प्रभावी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। सेकंड कह रहे हैं, कारण आर कह रहे हैं कि रसद नीति 2022 का उद्देश्य लागत में कटौती करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, बी दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, सी ए गलत है किंतु आर सही है, और डी दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या सही बता रहे हैं। सरकार भारत को लागत प्रभावी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में कार्य कर रही है और रसद की लागत को कम करने एवं इसे अन्य विकसित देशों के समकक्ष बनाने के लिए एक व्यापक रसद पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय रसद नीति 2022 शुरू की है। तो कथन डी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने मैंने अभी तीन चार क्वेश्चन छोड़ दिए और कितने बजट से रिलेटेड बनते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 में राजकोषीय चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया। भारत सरकार का मतलब है कि आपका हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से केंद्र की बात करें, है ना, राज्य के भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि आपका बजट जो है वो राज्य में भी अलग आता है और केंद्र का अलग रहता है ना। देखिए क्वेश्चन है कि बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार की बढ़ती पहुंच कहाँ परिलक्षित होती है। ठीक है, द इंक्रीजिंग आउटरीच ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट्स इज रिफ्लेक्टेड इन दी। ऑप्शन ए बीमा क्षेत्र, बी आवास क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र या डी कपड़ा क्षेत्र। बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी बाजार की बढ़ती मांग बीमा और पेंशन क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। भारत में बीमा की पहुंच में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। जीवन बीमा की पहुंच उभरते बाजारों और वैश्विक औसत से अधिक है। बीमा बाजार के विकास में प्रमुख सरकारी हस्तक्षेपों और एक अनुकूल विनियामक वातावरण का अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बीमा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन छोड़ के करवा रही है क्योंकि वो अब हमारे और आपके मतलब के हैं नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया। आपका भी समय बचेगा और मेरा भी बचेगा और जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें उसमें ध्यान लगाने में हमारा समय बच जाएगा, एनर्जी और समय दोनों को बचाना है इस समय। देखिए सिर्फ यही समय है मोटा मोटा हमारे पास, ये आपका मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है तो मई जून, ठीक है मई जून, तो अब आपका मार्च और अप्रैल, मार्च आपका अभी निकलने वाला है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है मार्च में। अगर आपने इतने दिनों में ऐसे, ठीक है क्योंकि ये कोई हमारे एग्जाम में लिखने नहीं आएगा, ऐसे हो गया आपका जो ग्रामर, हिंदी ग्रामर का पेपर होता है सेकेंड, ठीक है ग्रामर का एक पेपर होता है मेंस में, ठीक है वो हो गया, और जीएस के जो क्वेश्चन है, मतलब जीएस के जो पेपर है वो है, तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से पहले हिंदी और ग्रामर, और आपका जो ऑप्शनल हट के वहाँ पर यूपीएस स्पेशल के दो पेपर लगे हैं, मैंने उसका सिलेबस प्लस पेपर है ना, तो मैंने यूपीएस स्पेशल के बारे में क्वेश्चन प्लस उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई भी थी। ज़्यादा समय नहीं रहता इसलिए मैंने फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कई बहुत सारे लोगों ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, कुछ कमेंट भी नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे होंगे और आई होप कि आप लोग कर ही रहे हों। आपको डेली लिखना चाहिए, इस समय प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके सिवा आप समय बचेगा नहीं। ठीक है चले, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए इसका मतलब वो मेरे, हमारे और आपके काम के नहीं थे, हम आगे बढ़ते हैं, एनर्जी बचाना है, टाइम को बहुत बचाना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB का मुख्यालय स्थित है। डैश ऑप्शन है गुरुग्राम में, बी नई दिल्ली में, सी लखनऊ में या डी चेन्नई में। ठीक है, बात करें अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1984 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं पर समूह ग्रुप ऑफ पर्शियबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका गुरुग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए औद्योगिक नीति संकल्प 1948, बी औद्योगिक नीति संकल्प 1956, सी औद्योगिक नीति संकल्प 1969 या डी औद्योगिक नीति संकल्प 1977। ठीक है, अगर हम बात करें तो औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1956 आपके आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। ओके, तो 1956 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है वर्ष 1986 के दशक से सूती कपड़ा उद्योग की स्थानिकता, बी कांडला में तेल क्षेत्रों की खोज और बंदरगाह का विकास, सी पायकारा जल विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति, या डी कोयले में पेट्रोलियम रिफाइनरी ने कई पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है, इनमें से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है। तो गुजरात औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार कारक वर्ष 1860 के दशक से सूती कपड़ा उद्योग का स्थान, सेकंड मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट, सी कच्चे माल के साथ साथ बाजार की निकटता, डी कांडला में तेल क्षेत्र की खोज और बंदरगाह का विकास, एंड फोर आपका है कोयले में पेट्रोलियम रिफाइनरी ने कई पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। पायकारा जल विद्युत संयंत्र आपका बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये जिम्मेदार नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है इसने स्वचालित मार्ग के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते की अनुमति दी, सेकेंड इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का पुनर्गठन किया। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, एंड डी केवल सेकंड। ठीक है, बात करें तो नई औद्योगिक नीति 1991 इसके फोकस क्षेत्र आपके उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण में कमी, निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व का नियंत्रण स्थानांतरित करना, और वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण थे। तो ए ऑप्शन आपका है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि चीनी उद्योग के उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय भारत में स्थानांतरित होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। चूंकि अब यहां पर नहीं पूछा तो थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। ऑप्शन ए गन्ने की फसल दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र रूप से बढ़ती है, सेकंड दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में छोटा होता है, सी दक्षिण भारत में अधिकांश मिलों में आधुनिक मशीनरी है, एंड डी दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले गन्ने की उष्णकटिबंधीय किस्म में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। अब इसमें से कह रहे कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, चीनी उद्योग के उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के कारण कुछ इस प्रकार है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है क्योंकि गन्ने की फसल दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय है, जलवायु में तीव्र रूप से बढ़ती है, यह सही है। दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले गन्ने की उष्णकटिबंधीय किस्म में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में अधिक लंबा है, अतः विकल्प बी सही है आपका। ठीक है, तो बी यहां पर सही हो जाएगा, ये रहा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आयो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, मैं इसलिए पूरा पढ़ के कई बार सुना देती हूँ और आंसर को भी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझा दूं, ताकि जब तक तो बेस नहीं बनता तो क्वेश्चन का आंसर क्या सही, क्यों सही हो गया, कैसे सही हो गया, ये क्वेश्चन हमारे मन में चलते रहते हैं, यानी कि द्वंद्व चलता रहता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का दिया है। ये सूची फर्स्ट है कृषि क्रांति और सूची सेकंड संबंधित है। ऑप्शन है गोल्डन फाइबर क्रांति आलू, बी भूरी क्रांति उर्वरक, सी गोल क्रांति अंडे, एंड डी रजत क्रांति जूट उत्पादन। अब हमें इसमें से मिलान करना है सही से कि कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए रजत क्रांति जो आपकी संबंधित है, ठीक है, रजत क्रांति आपके अंडे से संबंधित है, तो ये हो जाएगी अंडे से संबंधित। गोल्डन फाइबर क्रांति की बात करें तो ये आपका जूट उत्पादन से संबंधित है, ए फोर। ठीक है, अब चूंकि ए फोर आपको ऑप्शन डी में ही मिल गया और किसी में है नहीं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ए फोर बी टू सी वन डी थ्री। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आई होप। चले नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, बी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण,
श्री भारतीय खाद्य निगम एनडी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कौन आवंटन के लिए जिम्मेदार है? खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन के लिए, ठीक है। तो हमें बतानी है इसमें से कौन सी एजेंसी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जिसे बोलते हैं, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम जिसे हम एफसीआई बोलते हैं के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी मतलब देती है या संभालती है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कॉफी बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, या डी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। कॉफी बोर्ड के बारे में बात हो रही है। देखिए, भारतीय कॉफी बोर्ड आपका यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत किया गया है। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कहने हैं कि बुनियादी ढांचा किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। बी, यह उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के कारकों को बढ़ाता है। सी, यह अधिकतर एफडीआई प्रदान करता है। एंड डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में वृद्धि और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का स्वास्थ्य पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार से प्रमुख जल जनित बीमारियों से रुग्णता यानी बीमार पड़ने की संभावना को कम करने और बीमारी होने पर उसकी गंभीरता को कम करने में अत्यधिक प्रभाव डालता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यह उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के कारकों को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, देश की आजादी के बाद से स्वास्थ्य देखभाल की वास्तविक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सेकेंड, वर्ष 1951 से 2013 यानी 2013 के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या 9,300 से बढ़कर 44,000 हो गई और साथ ही अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 1.2 से बढ़कर 6.3 लाख हो गई। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैंने पढ़ के बता ही दिया है। तो ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। तो हाँ, हमने इसमें कम से कम 8 या 10 आई थिंक गेस करके मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं है, हमने क्वेश्चन छोड़े हैं। वो छोड़ना मजबूरी था क्योंकि वो करंट से रिलेटेड थे, उनका भी कोई मतलब नहीं था। तो अब एक पार्ट और आएगा और ये टेस्ट सीरीज फिनिश हो जाएगी हमारी। इसके बाद में हम न्यू टेस्ट पेपर देखेंगे। जीएस सेम रहता है, जीएस में खास बदलाव नहीं होता। जीएस को आप अटेंड करें, अच्छे से पढ़ाई करें और रिवीजन करते रहें। करंट में बदलाव होता है, तो करंट की जो टेस्ट सीरीज होंगी अब मैं आपको अपलोड कर दूंगी डायरेक्ट पीडीएफ के साथ, क्वेश्चन और पीडीएफ मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ में, वो आप खुद ही घर बैठकर एक्सेस करके आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।